नमस्कार दोस्तों, तो चलिए अब इस वीडियो में हम आपको इस टेबल फैन के कनेक्शन करना सिखाते हैं। तो इसके कनेक्शन करने के लिए आपको ये देख सकते हो, ये रनिंग कोयल के कोयल का सेट है, एक ये सेट है और एक ये सेट है। इसके अंदर से दो वायर निकले हैं, इसके अंदर से भी दो वायर निकले और इसके अंदर से भी वायर निकले, और स्टार्टिंग कोयल के वायर मैंने इसके अंदर दबा दिए है, क्योंकि पहले अपन रनिंग कोयल के कनेक्शन करेंगे। तो रनिंग कोयल के कनेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले जो इन वायर के ऊपर इंसुलेंस आता है पॉलिश, उसको हटाना पड़ेगा। ये पतला वायर है, 35 नंबर गेज है, तो इसको अपन माचिस से हटा देंगे। माचिस से इस प्रकार माचिस जलाएंगे और फिर इस प्रकार अपन ऐसा करेंगे तो इसके ऊपर का इंसुलेंस हट जाएगा। इस प्रकार हट जाएगा। इस प्रकार आप माचिस जलाओगे ना इसके ऊपर, तो ऐसे ही है इंसुलेंस हट जाएगा ऐसे। फिर आपको इस प्रकार करोगे ना तो इसके ऊपर से इंसुलेंस हट जाएगा, और फिर मैं वापस आपको सीरीज में चेक करके भी बताऊंगा। ये सीरीज बोर्ड है मेरे पास और इसके कनेक्शन सही है या नहीं है वो कोयल के, तो वो सीरीज में चेक करके बताऊंगा आपको। तो चलिए मैं सीरीज में आपको कनेक्शन कोयल के चेक करके बताता हूँ। तो इसके ऊपर का पॉलिश हटा दिया और इसको टच करते हैं, ये देख सकते हो कोयल के कनेक्शन बता रहे हैं, और इनके ऊपर का भी मैंने इंसुलेंस हटा दिया है और टच करके देख सकते हो कोयल के कनेक्शन बता रहे हैं, मतलब सही है इसके कनेक्शन। अगर बल्ब नहीं जलता तो कहीं से कहीं एक आधा वायर फॉल्ट हो जाता, टूट जाता, तो कनेक्शन नहीं बताता। इसके कनेक्शन करने के लिए आपको किस प्रकार करना होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके कनेक्शन करने के लिए आपको ये देख सकते हो, ये छोटी कोयल के अंदर से वायर निकला है, जो 8 नंबर की कोयल थी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, छोटी कोयल के अंदर से वायर निकला है, तो इसको नीचे दबा देना है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जाएगी। और जो 12 नंबर की कोयल है उसके अंदर से बड़ी कोयल के अंदर से वायर निकला है, तो इसको कनेक्शन करना है। तो इसको ऊपर करेंगे इस प्रकार, ये कोयल आप देख सकते हो रनिंग कोयल के कोयल है, इसके अंदर से यह वायर निकला है छोटी कोयल का, इसको दबा देंगे क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जाएगी। और ये जो बाहर निकला है ना इसको ऊपर रखेंगे क्योंकि इसके अंदर इसको जॉइंट करेंगे, कनेक्शन होगा, तो वापस इस प्रकार इधर घुमाएंगे। तो ये भी देख सकते हैं रनिंग कोयल है, तो इसका जो भी ये 8 नंबर का वायर निकला है तो इसको दबा देंगे। फिर इसको जो बड़ी कोयल है ना, बड़ी को बड़ी से जॉइंट कर देंगे इस प्रकार। मैं देखिए जॉइंट करके बताता हूँ, बड़ी कोयल को रनिंग के बड़ी कोयल से जॉइंट कर देंगे इस प्रकार, जॉइंट करेंगे। और पहले मैं इनके ऊपर यह स्लीव लगा देता हूँ क्योंकि स्पार्क ना हो, स्लीव भी लगा दूंगा इनके ऊपर, इस प्रकार मैं स्लीव लगाता हूँ। और रनिंग की बड़ी को बड़ी से जॉइंट करना है, कोयल बड़ी कोयल होगी ना, बड़ी से बड़ी कोयल को इस प्रकार जॉइंट कर देंगे, जॉइंट करके बताता हूँ। बहुत ही सरल कनेक्शन है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लगातार आपके लिए इस प्रकार के वीडियोज लाते रहते हैं इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड। और फिर एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे, जो आगे का एक्स्ट्रा वायर है ना इसको कट कर देंगे। तो ये देख सकते हो आप रनिंग कोयल के तो कनेक्शन हो गए हैं, देख सकते हो एक ये रनिंग कोयल से अभी एक ये छोटा वायर बाहर निकला और इधर से भी छोटी कोयल का वायर बाहर निकला, और वापस ये इसको चेक करेंगे सीरीज में, चेक करके भी बताऊँगा बिल्कुल सरल तरीके से आपको, वापस सीरीज में लगाएंगे और सीरीज चेक करेंगे। और अब चेक करके बताता हूँ, दोनों छोटी छोटी कोयल को टच करेंगे, तो ये देख सकते हैं बल्ब जल रहा है, और एक छोटी कोयल के टच किया और एक जो जॉइंट किया था इस वायर के लगाएंगे, इस पर भी बल्ब जल रहा है, मतलब कनेक्शन सही है ये देख सकते हो। और बॉडी शॉर्ट भी आप देख सकते हो, बॉडी शॉर्ट भी होगा तो ये बल्ब जलेगा, एक बॉडी के वायर टच करेंगे और एक इन वायर के टच करेंगे, तो बॉडी शॉर्ट भी नहीं है, बॉडी शॉर्ट होता तो बल्ब चलता। तो ये रनिंग कोयल के तो
कनेक्शन हो गए। अब बारी पीछे बसा स्टार्टिंग, तो चलिए स्टार्टिंग के भी हम आपको कनेक्शन करके बताते हैं जल्दी से जल्दी। इसी प्रकार स्टार्टिंग कॉल के भी कनेक्शन हो गए जी। और इधर अंदर से जो दबाए थे वो बाहर निकल देते हैं, ये आप देख सकते हो स्टार्टिंग कॉल के बाहर निकले बाहर। इनके अंदर पहले स्लीव पहना देते हैं, मैं स्लीव पहना देता हूँ इनसे। शेयर वायरों में से स्टार्टिंग के भी शेयर वायर निकले और रनिंग के भी शेयर वायर थे। चलिए जल्दी जल्दी मैं स्लीव पहनाता हूँ इसके, तो चलिए इसके भी कनेक्शन करते हैं स्टार्टिंग कोयल के। तो सब स्टार्टिंग कोयल के कनेक्शन करने के लिए पहले इनके ऊपर का इंसुलेंस हटा देंगे, उसी प्रकार जैसे आगे हटाया था मासिस की तीली से, इस प्रकार हटा देंगे। ये देख सकते हो इस प्रकार इनके ऊपर का इंसुलेंस हट जाएगा। इसके ऊपर का भी हटा देंगे इंसुलेंस। अगर इंसुलेंस नहीं हटाओगे तो इसके अंदर करंट नहीं जाएगा, इंसुलेंस आपको हटाना पड़ेगा। मैंने इंसुलेंस हटा दिया है और फिर हाथों से ऐसे कर देंगे और इसके ऊपर का भी हटा देंगे इस प्रकार। फिर वापस सीरीज के माध्यम से चेक करेंगे कि इंसुलेंस हटा है या नहीं हटा है, वो भी चलिए। अब सीरीज बोर्ड में वायर लगाते हैं अपन और चेक करके आपको बताता हूँ। देख सकते हो इसके ऊपर का भी इंसुलेंस हट गया है और अब इनके ऊपर का भी देखेंगे। इनके ऊपर का भी इंसुलेंस हट गया है, मतलब सीरीज बता रहा है अपना। तो अब स्टार्टिंग कोयल का कनेक्शन करने के लिए आपको उसी प्रकार जैसे रनिंग के किए थे, यह देख सकते हो एक ये कोयल है स्टार्टिंग की और एक ये कोयल है आमने सामने। तो छोटी कोयल को तो छोड़ देना है, छोटी कोयल के अंदर से बाहर निकला था 8 नंबर में से, इसको तो दबा देंगे और बड़ी कोयल को ले लेंगे। ये देख सकते हो इसी प्रकार ठीक वैसे ही, ये देख सकते हो इसमें से भी छोटी कोयल में से 8 नंबर से कोई बाहर निकला, इसको दबा देंगे और बड़ी को ज्वाइन कर देंगे। देख सकते आमने सामने होगी ये, इसके आमने सामने जस्ट ये बड़ी कोयल से आमने सामने होती है, इसको ज्वाइन करना है। पहले ज्वाइन करने से पहले इसके ऊपर स्लीव लगा देते हैं, तो स्लीव लगा देता हूँ मैं के अंदर स्लीव पहना देंगे। बहुत ही सरल है कनेक्शन, और फिर जॉइंट दे देंगे। जॉइंट भी आपको सही देना है, और फिर आगे का एक्स्ट्रा वायर कट कर देंगे। कट कर दिया और वापस सीरीज से चेक करेंगे सीरीज बोर्ड से कनेक्शन सही है या नहीं है, वो भी बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ही सरल तरीके से करके बताता हूँ। ये स्टार्टिंग कोयल के टच किया दोनों छोटे छोटे वायर को और वापस एक स्टार्टिंग कोयल के छोटे वायर से टच करेंगे और एक जॉइंट किया था इसके टच करेंगे। बल्ब जल रहा सही है और इस पर भी बल्ब जल रहा सही है। बॉडी शॉट चेक करेंगे, बॉडी शॉट भी नहीं है, कनेक्शन सही है। यह हमारे कनेक्शन तो हो गए और रनिंग के और स्टार्टिंग के, तो अब इनके कनेक्शन तो हो गए। अब इनके वायर लगा देते हैं क्योंकि इसके वायर वापस इस प्रकार के आपको लेने, प्लाजा वायर बाहर आएंगे। तो ये दो मैंने लाल कलर के वायर लिए, दो ब्लैक कलर के प्लाजा वायर। तो लाल कलर के रनिंग कोयल के लगाएंगे इस पे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं लाल कलर के वायर रनिंग कोयल पे लगा देता हूँ।
रनिंग कोर लगा के आगे का एक्स्ट्रा वायर कट कर देता हूँ। चलिए इसको भी लगा दिया। और ये बाहर का घेरा, इसको रनिंग कोइल बोलते हैं, बाहर की कोइल है इसको। चलिए इसके भी वायर लगा देते हैं रनिंग कोइल के, लाल कलर, और ब्लैक लगाएंगे स्टार्टिंग कोइल के। और आगे का एक्स्ट्रा वायर होगा, इसको कट कर देंगे इस प्रकार। और ये देख सकते हैं दो वायर स्टार्टिंग कोइल के, जो अंदर का घेरा है, इसके ब्लैक कलर के वायर लगाएंगे। तो अपना कनेक्शन किए उसके बाद में शेयर वायर निकले, दो रनिंग के और दो स्टार्टिंग के। रनिंग कोइल के लगाए लाल कलर के, और स्टार्टिंग के लगाए ब्लैक कलर के वायर। और आगे का एक्स्ट्रा वायर वापस इसके भी कट कर देंगे। और इस कोइल के भी, स्टार्टिंग कोइल के भी ब्लैक वायर लगा देंगे इस प्रकार। लगाते हैं आगे का एक्स्ट्रा वायर कट कर देंगे, कट कर दिया। फिर इन वायर के ऊपर स्लिप लगा देंगे, जहाँ पे जॉइंट किया ना वहाँ पे इस प्रकार। इस प्रकार स्लिप आएगी, सभी के स्लीव पहनाएंगे। इसके भी स्लीव पहना दी। इसके भी स्लीव पहना देंगे। तो मैंने इसके स्लीव पहना दिए, और अब इसके टैप करेंगे। इसके कनेक्शन तो हो गए, आप देख सकते हो। इसके टैप करने के लिए मैं इस प्रकार टैप करूँगा इधर से, इस प्रकार इसके टैप आएगी। अब इसको इस प्रकार, फिर दूरा लेंगे और इस प्रकार करेंगे। इस प्रकार मैं टैप करूंगा, और फिर एक इसके ऊपर गार्ड दे दूंगा, ताकि स्थिर रहे एक जगह पर ये कनेक्शन शेयर इस प्रकार। गार्ड दे दी, और इस प्रकार मैं सभी के टैप करूंगा। टैप करके भी आपको बताऊंगा। इस प्रकार बहुत ही बढ़िया, एक 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 स्लॉट छोड़ के ऐसे आपको टैप कर लिया है, देख सकते हो। इस प्रकार मैं टैप करूंगा, तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इसके टैप भी कंप्लीट कर दी है, और ये इसके कनेक्शन वायर निकले, आप देख सकते हो। दो लाल कलर के, जो लाल कलर के ये रनिंग के, और ब्लैक कलर के स्टार्टिंग के है, ये देख सकते हो। इसकी मैंने आपके सामने लाई मोटर वाइंडिंग की है, और इसको मैं आपको फिट करके भी बताऊंगा
तो फिर जो करूँगा वो नेक्स्ट वीडियोज़ में फिट करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको मैं फिट करके भी बताऊँगा और इसके बाहर के भी कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और इसको चालू करके भी मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, धन्यवाद।